हमारे अंदर उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी होगी और अपना खोल करके जो दाद नहीं आती उन्होंने 1 लाख रुपए दिया और चाहे 51 से रख दिया इसकी शुरुआत और ये पहली बार इतनी बड़ी गौशाला बन रही हमारे मुकेश भाई और हमारे तहसीलदार जी एस डी एम साहब और नरेंद्र भाई और सारी टीम जिसने भी इसकी शुरुआत की है उन सबको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बढ़िया जमीन इन्होंने खरीदने का तय किया बाउंड्री वाल भी बनेगी गौशाला भी बनेगी तो सहयोग का हम सबको कोई विषय नहीं है कि किसी को कहने की जरूरत पड़ेगी सहयोग इस काम के लिए जिस गर्मी में जाएंगे उसकी शुरुआत होगी। लेकिन मेरा आप सबसे एक आग्रह कि सागौड़ा नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और सबसे बढ़िया बात यह है कि नया कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद पहली शुरुआत धर्म के रूप में एक गौशाला को समझ सकते हैं कि सागौड़ा की विकास की यात्रा जब धर्मों के मार्ग से शुरू हो रही है तो निश्चित रूप से सागौड़ा बहुत आगे बढ़ने वाला है। उसमें हम सब मिलकर के कहीं ना कहीं सहभागी बनेंगे। ये गौशाला बहुत शानदार बनेगी बहुत शानदार मैं चेयरमैन साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने नगर पालिका का पूरा खजाना इस गौशाला के अंदर रखेंगे। पास जमीन बेच करके आपके और कोई काम हो भी नहीं हो और एक जमीन हमारी गौशाला के लिए और किसी के लिए नहीं कहेंगे कि आप जमीन बेच तो उसके लिए जगह साहब बैठे कोई चिंता नहीं। लेकिन मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत अच्छा निर्णय हम सब ने मिलने के लिए और अपन सबको मिलकर के इस गौशाला को मैं अध्यक्ष जी से और जो संरक्षक मंडल में कमेटी के सबसे निवेदन करूंगा कि काम तीव्र गति से हो तीव्र गति से मतलब आज से ही लग जाना चाहिए कि कमेटी की परमिशन आज मिले हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कल ही कागज चले जाने चाहिए और अगले 72 घंटों के अंदर रजिस्ट्रेशन की जमीन का हमारे नाम पर जाना चाहिए। जिन्होंने पैसा बोला है वो तुरंत अध्यक्ष अली भाई मुकेश भाई तुरंत इसका जो भी काम शुरू कर रहा है तुरंत चालू कर और जितनी गौ माताएं पहले हमारे सागौड़ा शहर के अंदर घूम रही है उनको ले जाकर उनकी व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और मैं इसमें कह रहा हूँ मेरे जितने 35 साल के राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि कोई सरकारी कर्मचारी एक एसडी और तहसीलदार भी दान दे और पैसा दे पहली बार मतलब कितने कई अधिकारी आए चले गए जिस बहुत बड़े आयोजन में जो भी लोग आहुति दे रहे हैं उन सभी को बहुत बधाई कार्यकारिणी को बहुत बहुत बधाई और जिस विषय से कार्य को प्रारंभ किया है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि सागौड़ा का विकास यदि गौशाला की स्थापना से अगर प्रारंभ होता है तो आने वाले 5 वर्ष में सागौड़ा कहाँ जाकर इस भूमिका उसकी कल्पना कर सकता है। हमारी वैसे व्यक्तिगत रुचि है वो लोकल होने की वजह से हमेशा रहती है कि हम जो भी कार्य हो उसमें अपना दिल लगाए चाहे वो कोरोना की महामारी का काम हो चाहे सागौड़ा के विकास का विषय हो तो सदैव जो है वो जो भी काम प्रशासनिक कार्य को प्रशासनिक तरीके से करेंगे। लेकिन एक बार उसमें मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा दिल हमेशा उसमें लगा हुआ रहेगा और दिल से उसका निर्णय करेंगे। सागौड़ा के विकास के लिए जो भी काम किया जाए उसमें हमारा अपना मैं अपना जो है वो सभी को ज़्यादा समय बहुत ही खुशी की बात है कि जिस सपने को लॉकडाउन में सपने मुकेश भाई ने ललित भाई ने और सभी जो को भक्त थे उन्होंने मिल के सजोया था उसी दिन से शुरुआत हमारे मन में करने की थी और आज सरकार उनकी योजना है काफ़ी अच्छा दान आ रहा है। मैं उन समस्याओं को भी धन्यवाद देता हूँ जो जिस सब्जेक्ट इसके अंदर ऐसा लेकर के दूसरा आगे के लिए मजबूती देने का जो कार्य कर रहे हैं।
लॉकडाउन के अंदर जब हम जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट दे रहे थे और कुछ लोगों के लिए हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं साथ बढ़ के खाने की भी व्यवस्था कर रही थी, उस वक्त हम खाना देते थे तो जिस जगह पे हम खाना खिलाते थे वहाँ हम यहाँ जो हमारे भोजन के पैकेट बांटने के बाद इस कार्यक्रम में भी जाते थे हम खिलाते थे कि भाई सब आप आइए तो उनके जी ललित जी वगैरह हम जो भी मोहन जी थे तो चावल जैसे कई कार्यकर्ता ऐसे थे जो वहाँ जाते थे तो खाना परोसते थे। एक दिन मैंने ये दृश्य देखा कि खाने के बाद उनकी झुग्गी बंदर उठाए जाते हैं, मन में दर्द हुआ। मैंने मुकेश जी को कहा, मैंने कहा मुकेश जी अपन इंसान को तो दे रहे हैं और इंसान तो सामने मांग के ले जा रहे हैं, मुझे ये जरूरत है तो क्यों नहीं यार अपने प्राणी मात्र के लिए कर रहे हैं तो उसमें गाय को भी सम्मिलित कर रहे हैं। तो जैसे ही मन में विचार आया गाय को क्या किया जाए, चारे की व्यवस्था की। उसके पहले दिन दिगड़ा के भाई प्रहलाद जी जो एक छोटी सी मेरी तरफ में भर के चारा दे गए और उन्होंने कहा कि गाय को डालना, उसी वक्त दिमाग में आया कि तुम भी दो चारा गाय को लाए और 500 से 700 किलो भरा था जो हमारे डायर पाटीदार चेतना आदि के भाई ने पास करके वो उनसे अपना संपर्क किया और रोज गाय का चारा दे जाते थे और हमने गाय को खिलाया। उसी कड़ी में जब चारे की बात आई तो इंसान को रोटियां खिला रहे हैं गाय को भी रोटियां खिला रहे हैं। तो बंचाल समाज के युवाओं ने के द्वारा हमने उनको कहा, उन्होंने पहल की, हमने पहल की और वो तैयार हो गए और बंचाल समाज में उन युवा 20-25 युवा थे उनके द्वारा हम संगठन ने बहुत अच्छी सेवा की। मैं बंचाल समाज के युवाओं को आज इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो उन्होंने प्रतिदिन 100 किलो आटे की रोटियां प्रतिदिन 100 किलो आटे की रोटियां हम गाय को खिलाने के लिए जाते हैं और स्कूटर पर निकलते हैं। पांच इधर जा रहे, पांच कार्यकर्ता इधर जा रहे, पांच कार्यकर्ता इधर जा रहे, हमारे सामूहिक रूप से साथ थे। सामूहिक काफी अच्छी सेवाएं सभी लोगों ने दी। अब तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि गाय के लिए सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन, मैं ज्यादा नहीं कहता, 1 रुपया उस मुल्क में डालिए और साल भर का 365 रुपया होता है आपका, 365 रुपया उस गौशाला जो हमारे एरिए सबने मिल के बनाई है उस गौशाला में डाल दीजिए। मैं सिर्फ 1 रुपये की बात करूँ, हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं जिन्होंने देश के अंदर ये 1 रुपये की योजना से आज देश के अंदर 50 गौशालाएं उन्होंने निर्मित करवाई है जैन समाज के ट्रस्ट के द्वारा चल रही है। आप छोटे छोटे गाँव में देखिए बागेश्वर में गाय से गौशाला चल रही है आचार्य विद्यासागर जी के नाम से, घाटों में चल रही है आचार्य विद्यासागर जी के नाम से। तो वो कोई दानदाता तो थे मगर इसके अलावा भी उस गौशाला को मेंटेन करने के लिए रोज के चारे के लिए पैसा कहाँ से लाना, अभी अपन 50 लाख रुपये इसमें लगा देंगे मगर उनको चारा तो खिलाना पड़ेगा, खिलाएंगे अपन सब मिलकर खिलाएंगे। 1 रुपये की घोषणा, 2 रुपये की घोषणा, 5 रुपये की घोषणा स्वतः होनी चाहिए और 5 रुपये प्रतिदिन भी यदि अपन दे देते हैं तो अपने प्रभु के भंडार में कभी कोई कमी आने वाली नहीं है। इसलिए हम संकल्प लेकर के जाएं कि इस गौशाला के लिए अधिक से अधिक दान एकत्रित करके और इस क्षेत्र की जितनी भी गौ माता है वो हमारे नजरों के सामने कहीं भूखी नहीं रहनी चाहिए, ये संकल्प लेकर के जाएं। धन्यवाद। सागवाड़ नगर में काफी लंबे समय से गौशाला की कमी महसूस हो रही थी। श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला के नाम से गुरुदेव परम पूज्य महर्षि श्री उत्तम स्वामी जी के आशीर्वाद से ओम गौ माता की कृपा से गौशाला का गठन किया है जो आज के दौर में सागवाड़ नगर के लिए बहुत ही आवश्यक था। गौशाला का गठन किया गया है, निश्चित तौर पर ये पूरे क्षेत्र में एक हर्ष का विषय है और हम सब के मन में कहीं ना कहीं एक टीस जो लॉकडाउन के दौरान थी कि गौ माता के संरक्षण संवर्धन उनके लालन पालन के लिए कुछ न कुछ करें, तो प्रत्येक नागरिक के मन में एक उत्साह भी था कि ये क्या होने वाला है। आदरणीय मुकेश जी और ये जितने भी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सब के सहयोग और आशीर्वाद से जो दायित्व मुझे दिया है गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए उसका पूरा मैं दायित्व निर्वहन की कोशिश करूँगा। गौ माता का हमारा ये जो गौशाला का विज़न है उसमें अभी हमारी प्रस्तावित जो जमीन है वो खरीदने का
लगभग तय हो चुका है। उसके बाद जैसे जैसे भी है कार्यकारिणी की बैठक के साथ सारी क्रियान्विति सुचारू रूप से होगी, स्पष्ट होगी, पारदर्शी होगी और साथ ही केवल एक ही लक्ष्य कि गौ माता का आशीर्वाद पूरे नगर को मिले और गौ माता की सेवा हम सब मिलकर करें, उसी उद्देश्य और उसी उत्साह के साथ हम सब लोग काम करेंगे। शिवं करा।